Hi guys, I'm Kiran. Welcome back to my channel, Kiran Tutorials. If you're new to my channel, don't forget to subscribe my channel, the red button below. So guys, today's video is all about my winter weekly skincare routine for glowing and healthy skin. So guys, आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपना वीकली स्किन केयर रूटीन, जिसे फॉलो करके मैं अपनी स्किन को डीपली क्लीन करती हूँ. पिंपल्स, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स से मैं छुटकारा पाती हूँ. एंड गाइज, लिटरली बहुत अच्छे से वर्क करता है, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है. एंड अगर आप एवरी वीक इसे फॉलो करोगे ना, तो आपकी जो स्किन है वो खुद ब खुद हेल्दी हो जाएगी एंड क्लीन हो जाएगी एंड साथ में ग्लोइंग भी. ठीक, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज मैंने आपको बताया है कुछ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्टेप्स एंड DIYs. सो गाइज, प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. एंड एंड तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, दैन प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. ज़्यादा में वेस्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने फेस की डबल क्लिनजिंग करती हूँ. उसके लिए या तो मैं माइसिला वाटर यूज़ करती हूँ या फिर मेकअप वाइप्स, एंड अच्छे से अपने फेस को क्लीन करती हूँ ताकि जितनी भी डर्ट है, इम्प्योरिटीज हैं मेरी स्किन के सरफेस से, वो रिमूव हो जाए. एंड उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ अपना फेस वॉश, जो कि बहुत ज़्यादा माइल्ड है स्किन के ऊपर. एंड ये है बायोडर्मा का फेस वॉश, एंड स्पेशली अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो भी आपके फेस के ऊपर बहुत अच्छे से जाएगा एंड बहुत ज़्यादा सूदिंग है एंड साथ में माइल्ड भी. ठीक है, सो गाइस, अपने फेस को अच्छे से वॉश करके मैं पैड ड्राई करूँगी टॉवल के अपने फेस को. सेकेंड नंबर पे हम अपने फेस को स्टीम देंगे, जिससे क्या होगा, हमारे जो पोर्स है वो ओपन हो जाएंगे एंड जिसकी वजह से जब हम अपने फेस के ऊपर स्क्रब करेंगे ना, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी हमारे पोर्स में से, वो बहुत इजीली निकल जाएंगी. हमारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बहुत इजीली निकल जाएंगे. एंड अगर हमारे इन फ्यूचर भी अगर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होने वाले थे, वो भी नहीं होंगे, क्योंकि इससे हमारे जो पोर्स है वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे. सो सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हम स्टीम लेंगे. अब बारी आती है स्क्रब की. सो गाइज, मैंने बनाया है DIY स्क्रब. सो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ऑफ ग्राइंडेड ओट मील. दैट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन, स्पेशली विंटर्स में. एंड गाइज, साथ में उसके बाद मैंने यूज़ किया है पिंच ऑफ टर्मरिक. बहुत थोड़ी सी मैंने टर्मरिक यूज़ की है. एंड उसके बाद मैंने यूज़ किया है 1 टेबल स्पून ऑफ रोज वाटर. एंड उसके बाद मैंने यूज़ किया है 1 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल. एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने इसे मिक्स करके एज अ स्क्रब यूज़ कर लेना है. बट अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है तो इसके अंदर आप हनी भी ज़रूर ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स नरिशिंग प्रॉपर्टीज़. इतने अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है. सो गाइस, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्क्रब हमारा जो है वो रेडी हो चुका है. हनी, टर्मरिक एंड एलोवेरा ऑल्सो हैव अ हीलिंग प्रॉपर्टीज़. अगर आपके पिम्पल्स हो रहे हैं या फिर अगर आपके फेस के ऊपर डार्क स्पॉट हो रहे हैं, उसे भी ये ठीक करेंगे. एंड गाइज, आपने सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट तक अच्छे से जेंटली स्क्रब करना है, बहुत प्यार से, बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है अपनी स्किन के साथ. सो गाइज, अपने हाथों को अच्छे से वेट करें एंड इसे 2 मिनट तक स्क्रब करें एंड फिर ल्यूकोम वाटर से वॉश कर लें फेस. सो इट्स टाइम फॉर द फेस मास्क. सो गाइज, मोस्टली विंटर्स में मैं 2 टाइप के फेस मास्क यूज़ करती हूँ. एक होता है DIY फेस मास्क, जो कि लाइक नॉर्मली हम घर पे बनाते हैं, जो कि पेस्ट फॉर्म में होता है. एंड सेकेंड होता है ये शीट मास्क. सो गाइज, ये शीट मास्क जो है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंगली हमारे ये स्किन के ऊपर वर्क करते हैं, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज इसके अंदर कुछ ऐसे सीरम्स होते हैं जो कि हमारी लाइक स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट होते हैं, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं डीपली. सो आज जो मैं शीट मास्क यूज़ कर रही हूँ वो है टोली मोली ब्रांड का, एंड इट्स अ सी वीड स्किन प्योरीफाइंग शीट मास्क. ठीक है, सो गाइज, इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँ अपने पूरे फेस के ऊपर. ठीक है, सो ये ऐसे कुछ होता है लाइक शीट फॉर्म में होता है, जैसे हमारे फेस के अच्छे से इसके ऊपर बना होता है स्ट्रक्चर, एंड उस हिसाब से हमें अप्लाई करना होता है. ये बहुत सॉफ्ट होता है एंड बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग भी होता है, आपको थोड़ा ठंडा ठंडा फील होगा, बट हाँ, इट्स सो गुड. एंड आपको पता है कि मैं हमेशा सेकेंड ऑप्शन के साथ आपके पास हमेशा रहती हूँ. अगर आपके पास शीट मास्क नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट. सो सेकेंड ऑप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा DIY फेस मास्क है, जो कि है ओट मील फेस मास्क. आप अभी पॉज
करके देख सकते हैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं एंड कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे इसके बाद जब सीरम अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है हमारे फेस के ऊपर, देन मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। कुछ लोग नहीं करते हैं, बट ये आपकी मर्जी, आपने फेस वॉश करना है या नहीं। उसके बाद हम अपना नॉर्मल स्किन केयर करेंगे। सो गाइज, अब मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इजी टोनर बनाना घर पे, ठीक है। सो गाइज, इट्स अ डीआईवाई टोनर। सो उसके लिए आपने लेना है लाइक 3-4 टेबलस्पून ऑफ रोज वाटर, ठीक है। एंड उसके बाद उतने ही अमाउंट में हम यू नो नॉर्मल फिल्टर्ड वाटर यूज़ करेंगे उसके अंदर। एंड फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे एलोवेरा जेल, लाइक मैक्सिमम आप 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं लाइक पूरा भर के, एंड देन इसके अंदर 1 टेबलस्पून पूरा एलोवेरा जेल इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। सो गाइस, उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आलमंड ऑयल, एंड फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड आपका जो टोनर है बहुत अच्छा वाला टोनर जो है वो घर पे तैयार हो गया, बिल्कुल भी आपके यू नो पैसे नहीं लग रहे, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है ये। आपने अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से शेक करना है जब भी आप इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो गाइज, ये बहुत ज़्यादा यू नो नरिशिंग भी है, एंड साथ में अगर आपका कोई भी स्किन टाइप है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑफकोर्स, अब आ रही आती है मॉइस्चराइज़र की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। सो गाइस, अब मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र, एंड ये वाला बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया बिकॉज ये ऑल स्किन टाइप है, एंड साथ में ये जेल फॉर्म में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है आपकी स्किन में लाइक 2-3 मिनट्स में। एंड गाइज, लिटरली आप मेरी स्किन को देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्लीन लग रही है, एंड जेन्युइनली बहुत ज़्यादा क्लीन हो भी गई है ये वाला लाइक रूटीन फॉलो करने के बाद, ठीक है। सो गाइज, इससे अच्छे से आपकी स्किन डीपली क्लीन हो जाती है, एंड आपके फेस के ऊपर खुद ब खुद अच्छी सी शाइन आ जाती है, बहुत अच्छा यू नो ग्लो आ जाता है, ठीक है। अगर आप डे टाइम में ये वाला रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो आपने अप्लाई करनी है सनस्क्रीन ये वाले स्टेप में, बट अगर आप नाइट टाइम में यूज़ कर रहे हैं या फिर यू नो शाम के वक्त ये वाला रूटीन फॉलो कर रहे हैं, देन आप अंडर आई क्रीम ज़रूर अप्लाई करें। एंड इससे क्या होगा, अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपके डार्क सर्कल की प्रॉब्लम, पफी आई की प्रॉब्लम चली जाएगी। एंड ये डार्क सर्कल जो अंडर आई क्रीम होती है ना, ये वैसे रेगुलर बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी एलोवेरा जेल में 1-2 ड्रॉप ऑफ आलमंड ऑयल डाला, एंड देन उसे अच्छे से मिक्स करके अंडर आई पे मसाज की। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय, लव यू ऑल।